नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। स्वाधीनता दिवस की आप सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दिस ईयर द 15th of August इज स्पेशल बिकॉज वी आर स्टेपिंग इनटू द 75th एनिवर्सरी ईयर। इस दिन अगले साल हम एक स्वतंत्र देश के तौर पर 75 वर्ष पूरे कर लेंगे। हम सभी जानते हैं कि देश में स्वतंत्रता दिवस को कैसे मनाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा या आप क्या जानते हैं कि ये दिन 15 अगस्त 1947 को कैसे मनाया गया था? Were there any celebrations at all? Because along with happiness, there was also immense sorrow because the country had been partitioned. People were going from one place to another, from the place where they were born to a different place which they did not know even. Any recap of the 15th of August of 1947 must begin with the decision of the British government on the 3rd of June, which is also known as the Mountbatten Plan. It was named after the Viceroy, the Lord Mountbatten. He addressed the nation over All India Radio on that particular day, the 3rd of June 1947. 24th March 1946 को कैबिनेट मिशन के आगमन ने यह प्रमाणित किया था कि ब्रिटिश भारत से वाकई बाहर निकलने के लिए या फिर एक एग्जिट रूट ढूंढ रही है और हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए डिटरमिंड है। लेकिन एक स्पष्ट क्लियर कट टाइमलाइन 20th फरवरी 1947 में स्पेल आउट किया गया था। उस दिन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने हाउस ऑफ कॉमन में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा, हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ट्रांसफर टू अ रेस्पॉन्सिबल इंडिया ऑल पावर नॉट लेटर देन द 30th of June 1948। लॉर्ड माउंटबेटन को वाइसरॉय के रूप में भारत में नियुक्त किया गया और वे 22 मार्च 1947 को हिंदुस्तान पहुंचे चार्ज अज्यूम करने के लिए। भारतीय नेताओं से परामर्श करने के बाद उन्होंने डिकी बर्ड प्लान के नाम की एक योजना की घोषणा की। अंडर दिस Each of the 11 provinces of British India and the 559 princely states were to be given the option to join India or Pakistan, or even if they wanted to stay independent. Zahir taur par Nehru aur baki Bhartiya netaon ne iska virodh kiya, isko reject kiya. Akhirkar ye to Hindustan ko ya Bharat ko वल्कनाइज कर देता। माउंटबेटन के पास और कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय अपने उस प्लान को एबॉर्ट करके एक अल्टरनेटिव प्लान तैयार करें। उन्होंने इसके बाद जो प्लान तैयार किया उसका नाम माउंटबेटन प्लान पड़ा, जो जैसे मैंने कहा कि 3rd ऑफ जून 1947 को अनवेल किया गया। धर्म के नाम पर बिगड़ते सांप्रदायिक तनाव और पुनः हिंसा होने के पॉसिबिलिटीज के कारण कांग्रेस के नेताओं ने इस प्लान पर सहमति जताई। अंडर द प्लान ट्रांसफर ऑफ पावर वॉज टू बी डन एंड ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनियन स्टेटस टू द टू सक्सेसर स्टेट्स इंडिया एंड पाकिस्तान। The princely states were given the
freedom to decide whether to stay independent or to join India or Pakistan. But as we all know, this process was not a very easy one. 3 जून से लेके 15 अगस्त के बीच के जो 72 दिन थे, इनकी घटनाओं को डिटेल में दोहराने के लिए उससे भी ज्यादा वक्त लग जाएगा। लेकिन अगर हम मुख्य घटनाक्रम पर गौर करें तो विभाजन और स्वतंत्रता की प्रक्रिया वास्तव में हम 4th जुलाई 1947 से देखना शुरू करते हैं। ऑन दिस डे इंडियन इंडिपेंडेंस बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इट रिसीव्ड द एसेंट ऑफ द थ्रोन ऑन द 18th जुलाई। इसके कुछ दिन पहले 8 जुलाई को सर सिरिल रैडक्लिफ दिल्ली पहुंचे। इसके पहले उन्होंने हिंदुस्तान में कभी कदम नहीं रखा था। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक स्पेशल रिपोर्ट में लिखा है, रैडक्लिफ हु वाज गिवन चार्ज ऑफ क्रिएटिंग द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज अ ब्रिलियंट लीगल माइंड बट ही हैड एब्सोल्युटली नो सेंस ऑफ ड्रॉइंग अ बॉर्डर नॉर हैड ही एवर बीन टू इंडिया neither could he ever adjust to the climate and the environs of India. Unka lakshya lekin bahut hi limited tha. Bharat aur Pakistan ke beech British kshetra ko kaise vibhajit kiya ja sakta hai. With just 5 weeks in his hand, Radcliffe had to chair not one but 2 boundary commissions, one in the east and the other in the west. Radcliffe had an audience with Lord Mountbatten on the 10th of July 1947. In this meeting, the modalities of how to divide India were crystallized. Pashchim aur Purvi Punjab ke beech aur Purvi aur Pashchim Bengal ke beech ki seemaye, unka vibhajan सबसे ज्यादा कंटेंशियस और कॉम्प्लिकेटेड था। रैडक्लिफ शोड द ओरिजिनल ड्राफ्ट, यू नो द प्रपोजल व्हिच ही प्रिपेयर्ड टू माउंटबेटन ऑन द 9th ऑफ अगस्त 1947, बट दिस वाज नॉट पब्लिसाइज्ड टिल आफ्टर द 15th ऑफ अगस्त बिकॉज द वाइसरॉय फियर्ड सडन एस्केलेशन ऑफ कम्युनल वायलेंस at a micro level. New York Times ne likha, un do dinon ke liye Bharat aur Pakistan conjoined twins ki tarah the. On Independence Day, long stretches of the border undefined hone ki wajah se kuch shaharon mein Bhartiye aur Pakistani jhande dono fehraye gaye the. 15 agast ki ghatnaon ke pehle कई और डेवलपमेंट्स हुए थे जिसके बारे में अभी फिलहाल जानकारी कम है। लाइक फॉर इंस्टेंस ऑन द 6th ऑफ अगस्त अ फेयरवेल कॉमरेड्स पार्टी वाज हेल्ड इन दिल्ली टू बिड एड्यू टू द ऑफिसर्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान सेना में शामिल होने वाले अधिकारी आखिर पार्टीशन के पहले तो एक ही सेना में थे, ब्रिटिश सेना। भारतीय सेना के तरफ से मेजर जनरल के एम करियप्पा ने बात की, उन्होंने विदाई किए मैसेज दिए। उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे से अच्छे दोस्त के रूप में उसी कॉमरेडशिप की भावना से मिलेंगे जैसा अब तक करते आए हैं। रिप्लाइंग ऑन बिहाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, ब्रिगेडियर ए एम रजा सेड, the armed forces of Pakistan will continue serving shoulder to shoulder with the Indian armed forces, not only in the interest of our own people, but also for universal security. अत्यंत दुख है कि दोनों देश में बड़ी संख्या में लोग एक दूसरे को दुश्मन नंबर
वन समझते हैं। ऑन द 13th of August 1947 द यूनियन जैक विच हैड फ्लोन एंड फ्लटर्ड सिंस 1857 विदाउट ब्रेक डे एंड नाइट अटॉप द रेसिडेंसी इन लखनऊ वॉज ब्रॉट डाउन। द स्टील फ्लैग ऑफ द रेसिडेंसी वॉज पुल्ड आउट of its foundation. That entire place was re-cemented and there was absolutely no sign or evidence of the flagpole which for 190 years had been symbolic of British power in India. 14th August 1947 ki raat 11 baje Bharat ki Constituent Assembly का फिफ्थ सेशन सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में शुरू हुआ। एजेंडा पर पहला आइटम वंदे मातरम के पहले श्लोक का गायन यूनाइटेड प्रोविंस की सदस्य सुचेता कृपालनी ने पहला पद गाया। उसके बाद संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना भाषण दिया। The house then stood in silence to honor the memory of those who had given up their lives to fight for the freedom of this country. Uske baad Jawaharlal Nehru ne apna yaadgar bhashan diya. Researchers ke anusar tryst with destiny darasal draft mein nahi tha. Us samay draft jo speech tha usme date विथ डेस्टिनी लिखा गया था, लेकिन जिनके साथ ड्राफ्ट को शेयर किया गया था उन्होंने कहा डेट विथ डेस्टिनी का रोमांटिक कॉनोटेशन होता है। तब किसी ने कहा कि रेंडेवू विथ डेस्टिनी, वो भी ठीक नहीं लगा। फाइनली ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी शब्द अप्रोप्रिएट लगा प्लस सुनने में अच्छा लगा। हम अक्सर नेहरू की स्पीच में दुख की भावना को मिस कर जाते हैं। वॉज इट नॉट द बर्डन ऑफ पार्टीशन वेइंग ऑन नेहरूज माइंड दैट ही सेड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेज नॉट होली और इन फुल मेजर। नेहरू ने लोगों को यह भी कहा कि भारत किसी भी एक पार्टी एक समूह या एक जाति का नहीं है। इंडिया डज नॉट बिलोंग टू द फॉलोअर्स ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। इट इज द कंट्री ऑफ ऑल ऑफ एवरी रिलीजन एंड क्रीड। बिफोर द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक द प्लेज एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट डॉक्टर एस राधाकृष्णन स्पोक ऑन अ होस्ट ऑफ इश्यूज। महत्वपूर्ण रूप से उन्होंने वार्न किया, चेतावनी दी कि किसी को भी कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मिडनाइट सेशन में मुस्लिम लीग के सदस्य चौधरी खलीकुज्जमा के भाषण का विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए। लंबे समय तक रहे लखनऊ के मेयर वे पाकिस्तान नहीं गए थे जबकि उनके परिवार के अधिकांश सदस्य चले गए थे। जिन्ना वाज सो कीन टू हैव हिम एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान दैट ही रिक्वेस्टेड खलीकुज्जमा टू प्रिसाइड ओवर द इलेक्शन इन लाहौर ऑन द 5th ऑफ ऑगस्ट फॉर द लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग इन द न्यू पाकिस्तान असेंबली। खलीकुज्जमा डिड दैट बट he came back for the midnight session and he endorsed the resolution which Nehru moved. Sadly, he eventually left India and died a broken man. Constituent Assembly ki midnight session sare jahan se acha aur national anthem ke gayan se samapt kiya gaya tha. 15th August 1947 की सुबह 8 बजे के करीब समारोह शुरू हुआ।
सबसे पहले फेडरल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस कनिया ने लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में शपथ दिलाई। उसके बाद माउंटबेटन ने मिनिस्टर्स को, मंत्रियों को शपथ दिलाई। इसकी शुरुआत प्रधान मंत्री से की गई थी। ओथ टेकिंग समारोह के समाप्त होने के बाद सभी राष्ट्रपति भवन से संसद भवन गए। राष्ट्रपति भवन को इस दिन के पहले वाइसरॉयज हाउस कहा जाता था। व्हाइल लीडर्स बिगैन गोइंग इनसाइड द सेंट्रल हॉल, पीपल हु हैड गैदर्ड अराउंड द पार्लियामेंट हाउस, दे ब्रोक थ्रू द बैरियर्स एंड बिकेम इमेंसली एंथुजियास्टिक। दे रश्ड टुवर्ड्स द असेंबली एंट्रेंस एंड गॉट इन amid the guard of honor which was being presented to the governor general at that time. They shouted for Pandit Nehru. He appeared on the terrace of parliament and they cheered. Mountbatten Bharat ke viceroy nahi rahe the, lekin unhein raja ka bhashan dene ke karan wahi samman diya gaya. King's स्पीच की रीडिंग के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने धन्यवाद व्यक्त किया। मैसेजेस फ्रॉम द हेड्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज वेर आल्सो देन रेड आउट वन बाय वन। फाइनली लॉर्ड माउंटबेटन ने गुंबद पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के संकेत दिया। वे उठ खड़े हुए और छत की ओर इशारा किया। The cheers got louder. Official ceremony खत्म हुआ। लोगों ने उत्सव को अपना बना लिया। दिल्ली की सड़कों पर हजारों लोग घूम रहे थे। कुछ ऐसा ही माहौल हर जगह हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों और छोटे कस्बों में और गांवों से भी सुनने को मिला। 15 अगस्त 1947 की एक खास विशेषता है, उस साल लाल किले पर ना तो तिरंगा फहराया गया और ना ही पंडित नेहरू ने वहां भाषण दिया। वो इवेंट 15 अगस्त के अगले दिन यानी कि 16 अगस्त को हुआ। 15 अगस्त को लाल किले पर फंक्शन 1948 ऑनवर्ड शुरू हुआ। Throughout this year, the impending 75th anniversary shall be celebrated. इस पूरे साल में हमें खुद से पूछना होगा कि क्या भारत अभी भी लाइफ और फ्रीडम के प्रति उतना ही जगा हुआ है जितना आज से 75 साल पहले था। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम अंदर इस सवाल को टटोलें। नमस्कार।